Assalamu alaikum, this is Shahzad Shams and you're watching my YouTube channel. Today I'm here with a topic for those students who are seeking Cambridge qualifications. आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि उन्हें ओ लेवल्स करना चाहिए, IGCSE करना चाहिए या GCSE करना चाहिए या IB स्टडीज. बेसिकली IGCSE और GCE ओ लेवल्स इन दिनों में ज़्यादा टॉप ट्रेंड पे हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल होते हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज में जो है वो एडमिशन्स लेते हैं. तो ये हैं बेसिकली कैम्ब्रिज IGCSE एंड ओ लेवल्स और GCSE, ये कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन है. सो इस तरह एक और नेम भी है CSE. CSE और GCE 1951 में, उस वक्त GCE 1951 में और CSE जो है वो 1965 में इंट्रोड्यूस हुए थे और इन्होंने स्कूल सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस किया था. GCE ने फर्स्ट टाइम स्कूल सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस किया. उस वक्त स्कूल के सर्टिफिकेट्स एक्चुअली जो सर्टिफिकेट्स के तौर पे दिए जाते थे बच्चों को, जैसे हमारे स्कूल्स में अभी तक मिडिल लेवल तक सर्टिफिकेशंस है. ओके, तो पहली बात तो ये कि कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस किन को इसमें एडमिशन लेने चाहिए. तो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस उन तमाम स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन लेना चाहिए जो विलिंग है कि वो बाहर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में हायर जो एजुकेशन है उसके लिए अप्लाई करें. तो उनको कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस के लिए मैं रेफर करूँगा कि उनको उसमें हिस्सा लेना चाहिए. इसी तरह एक क्वालिफिकेशन IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कोर्स है और इसके चार प्रोग्राम्स हैं. तो यानी ये डिफरेंट है. तो जो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस है उसमें IGCSE और ओ लेवल्स, ये बेसिकली दो मेजर क्वालिफिकेशंस आते हैं. तो IGCSE और ओ लेवल्स ये 9th एंड 10th के हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ए लेवल्स आता है. तो IGCSE और GCSE ये एक्चुअली 1988 में इंट्रोड्यूस हुए. GCSE वहाँ पे UK की कंट्रीज़ के लिए है. UK में आपको पता है इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, फिर वहाँ पे आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड. तो ये यूनाइटेड किंगडम की जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं. और कहीं GCSE बेसिकली वहीं की बेसिक, वहाँ के ही नेटिव्स के लिए ये मतलब मुख्तलिफ स्कूल्स की तरफ से ऑफ़र किया जाता है GCSE. तो दोनों में कंपैरिजन बेसिकली इस वक्त ओ लेवल्स एंड IGCSE, दोनों में कंपैरिजन शॉर्ट ये है कि IGCSE ब्रॉडर है, इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 14 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए है जो 9th एंड 10th में पढ़ना चाहते हैं. ओ लेवल्स जो है वो इतना ब्रॉडर नहीं है IGCSE के मुकाबले में. इन दोनों के कंपैरिजन में इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो स्विट्ज़रलैंड की क्वालिफिकेशंस हैं वो आती हैं, जिसके चार प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मतलब के प्राइमरी है, मिडिल प्रोग्राम है, फिर उसमें डिप्लोमा है और एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है. IB एक्चुअली थ्रू आउट जितनी भी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी यूनिवर्सिटीज़ के में एक्सेप्टेड है. इसी तरह IGCSE भी है. तो अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी प्रेफरेंस जो है वो IB होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस IGCSE होनी चाहिए और थर्ड लेवल पे ओ लेवल्स होने चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है. बात करते हैं ओ लेवल्स की. ओ लेवल्स में आपको मैंने बताया A*E ग्रेड्स होते हैं और 1 to 9 भी ग्रेडिंग क्राइटेरियाज हैं जो न्यूली मुतारफ हुए हैं. ज़्यादा बच्चे जो है वो अच्छे स्टार ग्रेड लेना स्टार्ट हो गए थे तो उन्होंने 1 to 9 यानी ग्रेड्स को थोड़ा सा मज़ीद प्रोडक्ट कर दिया, तो उस वह ये इनका एक न्यू ग्रेडिंग सिस्टम था. अच्छा, तो अब ये है कि IGCSE बेसिकली प्रैक्टिकल, इसमें सब्जेक्ट्स भी होते हैं, थेरेटिकल भी होते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल रिसोर्स है. जो GCE है वो लिमिटेड प्रैक्टिकल रिसोर्सेज के साथ है ओ लेवल्स, तो इसलिए IGCSE को आपको मैं रिकमेंड करूँगा. सब्जेक्ट के हम बात करते हैं तो IGCSE में कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स, सॉरी इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस IGCSE में कंपलसरी सब्जेक्ट है. ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी है, लेकिन साइंस का मतलब ये है कि आपने एक साइंस का सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करना है और फिर उसके बाद IGCSE के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो 5 ग्रुप्स में से आपने चूज़ करने हैं. यानी लैंग्वेज का एक ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का एक ग्रुप है, फिर साइंसेज का ग्रुप है, फिर उसके बाद मैथ्स का एक ग्रुप आता है, उसमें एडिशनल मैथ्स और मैथ्स, इसी तरह जो है वो क्रिएटिव, टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है, जिसमें म्यूज़िक स्टडीज़ और यानी कि जो टेक्निकल टाइप के या वोकेशनल टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पर
पढ़ाए जाते हैं। तो मिनिमम आपको 7 सब्जेक्ट्स आज जी सी एस में और मैक्सिमम 14 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ओ लेवल्स में क्या होता है कि जो इस्लामियात है पाकिस्तान में, इस्लामियात, पाक स्टडीज, इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू, ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट ओ लेवल्स में। अच्छा, तो अगर आप ओ लेवल्स पढ़ते हैं तो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद 2 कॉम्बिनेशन है, एक साइंस कॉम्बिनेशन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर आ जाता है, दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का और कंप्यूटर साइंस का आ जाता है, बिजनेस स्टडीज के साथ कंप्यूटर। आईबी में एक्चुअली 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 1 to 7 इसका ग्रेडिंग क्राइटेरिया, टॉप ग्रेड 7 है, 1 इसका लोएस्ट ग्रेड, एंड मतलब 3 इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लाजमी पढ़ने पड़े। एक सब्जेक्ट इसका आता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब कि ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं कि नॉलेज हासिल करना और नॉलेज हासिल करने के बाद उससे सीखना कि हमने इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, वो बेसिकली आपको सिखाया जाता है बिफोर लाइक यू नो मूविंग इनटू डिटेल स्टडीज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली नॉलेज की वैल्यू के बारे में बताता है और उसमें डिटेल्स काफ़ी सारी, यानी कि जो भी आप सीखते हैं आप उसको मुख्तलिफ लॉजिकल मतलब एप्लीकेशंस के साथ सीखते हैं। फिर इसके बाद इसका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एक्सटेंडेड एसे, जो एक्सटेंडेड एसे एक्चुअली ये वो बच्चे, मतलब कि हमारे यहाँ मास्टर्स में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है, तो ये बच्चों को आईबी डिप्लोमा के अंदर, यानी ये हम सारी बात कर रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट की आईबी डिप्लोमा के लिए, जो कि 2 ईयर्स का होता है और ये इक्विवेलेंट है ए लेवल्स के। तो आईबी डिप्लोमा के अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स, यानी द थ्योरी ऑफ नॉलेज और द एक्सटेंडेड एसे, एक्सटेंडेड एसे एक रिसर्च टाइप आर्टिकल टाइप का एसे होता है और जो कि आप किसी टॉपिक को चूज करते हैं रेलिवेंट टू योर स्टडीज और फिर उसके ऊपर आप एक एक्सटेंडेड एसे लिखते हैं 4,000 to 5,000 वर्ड्स का। इसी तरह क्रिएटिविटी, एक्टिविटी एंड सर्विसेज, ये 3रा इनका सब्जेक्ट है, यानी आपकी क्रिएटिविटी और एक्टिविटीज आप उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं और फिर उससे आप सर्विसेज क्या देते हैं, बेसिकली ये एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद जो है आईबी के ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट के बाद 6 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ग्रुप है, लैंग्वेज एक्विजिशन का एक ग्रुप होता है, फिर इसी तरह इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ का एक ग्रुप है, इसमें आगे इनकी फर्दर डिवीजन है कंप्यूटर साइंसेज और ये सारे, फिर साइंसेज का एक अलग ग्रुप है जिसमें कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे आ जाते हैं, फिर मैथमेटिक्स का और आर्ट्स का अलग ग्रुप है, ये 6 ग्रुप्स हैं। आईबी डिप्लोमा जो 2 साल का है और ये कंपैरेटिवली ए लेवल्स के होता है, तो ए लेवल्स में बेसिकली आईबी डिप्लोमा जो है ये आपको पहले ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन से इतना ट्रेन कर देता है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आप चीज़ें सीखते हैं पाकिस्तान के अंदर वो आईबी डिप्लोमा में आप सीख चुके होते हैं, तो यहाँ का बच्चा इंटर लेवल में बहुत कुछ सीख चुका होता है। ए लेवल्स को 2 साल में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ईयर को इसके AS कहा जाता है और सेकेंड ईयर को A2 कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में इसके 40%, यानी कि मिनिमम आप में इसमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, आप इसमें ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मेडिकल में अगर जो बच्चे जाते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं और इसी तरह एडिशनल मैथ्स अगर किसी ने पढ़ना है तो इसमें पढ़ सकता है, अदरवाइज मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं। 2 ईयर्स प्रोग्राम है और फर्स्ट ईयर इसका AS होता है, सेकेंड ईयर को A2 कहते हैं, फर्स्ट ईयर की जो टोटल मार्क्स की परसेंटेज है वो 40% है और सेकेंड ईयर की 60 है, सिर्फ टोटल कम्बाइन होकर 100% मार्क्स बनते हैं, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स का वॉल्यूम है वो 40% है, सेकेंड ईयर मोर इन डिटेल, मोर इन डेप्थ है और उसके 60% आपके टोटल मार्क्स होते हैं, फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलावा मतलब मिलता है कैम्ब्रिज की तरफ से। अच्छा, ग्रेडिंग जो है इसकी A*E होती है, A* टॉप ग्रेड है, E इसका लोएस्ट ग्रेड है, ठीक है। तो ये थी तमाम मालूमात, होप यू अंडरस्टूड, और जो बच्चे मतलब बाहर की एजुकेशन के को परसू नहीं करना चाहते, उनको पता है क्लियर है वो कि उनका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में है, तो दे डू नॉट नीड टू गो फॉर एनी ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, दे नीड टू स्टे हेयर। हाँ, ये अलबत्ता है कि अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो इसमें से कुछ कोर्सेज को ऑनलाइन ले सकते हैं, अदरवाइज इफ़ दे आर परसुइंग एन एजुकेशन विच इज़ ऑल इन पाकिस्तान और इफ़ देयर फ्यूचर इज इन पाकिस्तान, दे नीड टू परसू द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तानी बोर्ड सिस्टम्स। वो क्या है कि आप पाकिस्तान में मेट्रिकुलेशन कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी साइंसेज के साथ करते हैं, देन इंटर में आप इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेज में या फाइन आर्ट्स में चले जाते हैं, या मैट्रिक में भी आप सिंपल फाइन आर्ट्स में भी, यानी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हैं और इंटर में ह्यूमैनिटीज़। तो बेसिकली हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, चीज़ें
उस तरह इन डिटेल आपको टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, लेकिन बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इन सब्जेक्ट्स की भी अच्छी स्टडीज़ आपको करवाते हैं। बट इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड देन यू नीड टू गो फॉर कैम्ब्रिज एजुकेशन और आईबी। आईबी इज़ फार मोर बेटर देन आईजीसीएसई इन ओ लेवल्स। इफ़ यू आर चूजिंग इन बिटवीन आईजीसीएसई इन ओ लेवल्स देन यू नीड टू गो फॉर आईजीसीएसई। सो दैट्स इट, होप यू अंडरस्टूड इट।